आप जो इसकी आइज में देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं टर्मोइड, टर्मोइड सिस्ट। ये होता क्या कि ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट कुछ लेयर्स प्रॉपरली जुड़ नहीं पाते हैं या फिर डिफरेंट जगह पे उनके सेल्स पहुंच जाते हैं, तो आगे जाके क्या होता है आफ्टर बर्थ वो ग्रो करने लगते हैं। तो कई बार क्या होता है जैसे कि इसमें डर्मोइड स्किन का, हेयर का एंड सम ग्लैंड्स, तो ये अनयूजुअल सी प्लेस है जहाँ पे ये स्किन ग्रो कर रही है, उसमें हेयर्स भी हैं। तो अभी जो ये है जंक्शन, इसको बोलते हैं लिम्बल जंक्शन, कॉर्निया और स्क्लेरा का जो जंक्शन है उसके वहाँ पे ग्रो कर रहा है। ये पपीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि अगर आँख में जैसे कि इसके हैं तो जो हेयर्स हैं इसकी वजह से काफ़ी इरीटेशन हो रही है और इसको आँख खोलने में प्रॉब्लम आ रही है, वाटरी आई है, काफ़ी पेनफुल कंडीशन है। खुद लगा लो आप हमारी आँख में कोई एक बाल चला जाए तो क्या कंडीशन होगी, इसमें तो पूरी पूरी ग्रोथ है। ये कई बार होते बनाए नहीं है बट टाइम के साथ ग्रो कर सकते हैं, तो बेटर यही है कि जितना जल्दी हो सके, जितनी छोटी स्टेज में हो उतना इसको जल्दी ऑपरेट कर लें और अपने आप फिर ये हीलिंग होती है। सर्जरी का ये फायदा होता है कि एक तो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा ये और रिलैप्स नहीं होगा अंटिल एंड अनलेस कुछ। अगर आपके न्यू पपी में ये प्रॉब्लम है तो उसको जल्दी जल्दी ऑपरेट करवाएं। दैट